बांदा जनपद में तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई, दो लोग घायल हुए। आपको बता दें मामला कोतवाली देहात के लामा रोड का है, जहां बांदा से ऑटो सवारी लेकर खपतिया जा रहा था। रास्ते में अधिक रफ्तार होने के कारण ऑटो अनियंत्रित हो गया, जिससे ऑटो से आगे जा रहे स्कूटर में टक्कर मारने के बाद ऑटो डिवाइडर से टकरा कर पलट गया, जिससे ऑटो सवार आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने घायलों का इलाज किया। ट्रामा सेंटर के डॉक्टर विनीत सचान ने बताया घायलों का प्राथमिक इलाज किया जा रहा है। सभी घायलों को मामूली चोटें आई है, किसी भी यात्री को गंभीर चोटें नहीं आई। बांदा से प्रभंजन कुमार की रिपोर्ट। पुलिस द्वारा कुछ घायलों को लाया गया है क्या? अभी पुलिस द्वारा भपेदा गांव से 6-7 लोगों को लाया गया है। ये लोग बता रहे हैं कि एक ऑटो पलटा है, ये घटना लामा के पास हुई है, वहीं ऑटो पलटा, उसे सभी लोगों को चोटें आई, सबको भर्ती कर दिया गया है। लगभग कितने घायल है, क्या कैसी कंडीशन? अभी 6 लोग घायल बनी है, 6 लोग घायल अवस्था में। अपना? हमारा नाम है गजेंद्र सिंह उर्फ रामू सिंह। रामू सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? खपतिया कला। खपतिया कला जी। क्या घटना हुई, कैसे घायल हुए आप सब लोग? हम बांदा से जा रहे थे खपतिया, तो एक स्कूटर वाला अपना किनारे से पहले स्कूटर वाले में टक्कर मारा है, के बाद डिवाइडर में चढ़ा। आप लोग कहे में थे? हम ऑटो में थे। कितने लोग थे लगभग ऑटो में? कम से कम थे 6-7 लोग। 7 लोग जी। घायल कितने हुए हैं? घायल सब हो गए हैं। पहले स्कूटर में टक्कर मारी है, फिर डिवाइडर में चढ़ा दिया, पलट गई होगी जी। स्कूटर वाला भी घायल है? स्कूटर वाला लामा के डॉक्टर साहब है, वो भी घायल। लगभग कुल कितने लोग घायल हो गए? हम मान लीजिए 5-6 लोग घायल। और स्कूटर वाले भी? हाँ, स्कूटर कुल मिलाकर 6-7 लोग घायल। 7 लोग घायल हुआ जी। जी जा कर रहे थे आप? हम खपतिया जा रहे थे। ऑटो ऑटो कहाँ जा रही थी? ऑटो भी खपतिया जा रही थी। घटना कहाँ पर हुई है? ये हुई है लामा लामा के पास। लामा